नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग और राज्य के सरकारी स्कूलों की शिकायत एवं समस्या बताएं यहां। बिहार के इस जिले की पुलिस मदद के लिए पहुंच रही सबसे पहले। जॉर्डन में फंसे बिहार के मजदूर वतन वापसी की लगा रहे गुहार। राजनीति में प्रवेश करने पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी। T20 विश्व कप में 20 टीमें लेंगी हिस्सा, जाने किस ग्रुप में भारत। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में 274 पदों पर निकली भर्ती। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 274 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह MPSC की आधिकारिक वेबसाइट MPSC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। शिक्षा विभाग और राज्य के सरकारी स्कूलों की शिकायत एवं समस्या बताएं यहां। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के स्कूलों में जिसका संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सरकारी स्कूलों में कई क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को परेशानी होती है या उनके लिए सही नहीं होता, जिसकी शिकायत आप करना चाहते हैं पर आपको यह मालूम नहीं होता कि इसकी शिकायत कैसे करें, तो आप उस मामले को ऐसे ही जाने देते हैं। तो बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि अगर आपको शिक्षा विभाग और राज्य के सरकारी स्कूलों से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत एवं समस्या हो तो आप कॉल कर इसकी जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि आप टोल फ्री नंबर 144-17 एवं 1800-345-4417 पर कॉल कर अपनी शिकायत या समस्या बता सकते हैं। इसके बाद निर्धारित समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर के बारे में। दीपाली किशोर का जन्म आज ही के दिन 1989 में हुआ था। यह एक भारतीय गायिका है। वह इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट थी। वह बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दी और फिल्म गोल से एक समूह गीत प्रस्तुत किया। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना गाया है। गाना आई लव यू है, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मियांग चांग के साथ ऑडिशन और रूबरूज की मेजबानी की है। उन्होंने आभास जोशी के साथ DD नेशनल पर एक म्यूजिक शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी की है। दीपाली महुआ टीवी पर आने वाले भोजपुरी धारावाहिक बड़की मलकाई में अभिनय कर रही है। उनका नवीनतम बॉलीवुड गाना मिथुन के साथ की एंड काका जी हुजूरी है। दीपाली ने सिंगर ऐश्वर्या निगम से शादी की है। अनिगमित निकायों में निवेश करना आपको पड़ सकता है भारी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अनिगमित निकायों में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर सभी को जानकारी दी गई है किस तरह के निकायों में निवेश करना आपको पहाड़ी पड़ सकता है। ऐसे में सचेत बनिए और सुरक्षित रहिए। दरअसल शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार किसी भी अनियंत्रित अपंजीकृत संस्था के साथ अपनी मेहनत की कमाई निवेश न करें। डिपॉजिट लेने वाली कंपनी RBI से भी PFRDA या राज्य सरकार जैसी किसी वित्तीय संस्थाओं के साथ पंजीकृत होने चाहिए। बता दें कि सिर्फ कुछ चुनिंदा रेगुलेटेड नियमित कंपनियों को ही पब्लिक डिपॉजिट लेने की अनुमति होती है। ऐसे में इस तरह के अनियंत्रित अपंजीकृत संस्था में निवेश करने से आपके पैसे डूब सकते हैं। जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.rbi.org.in/NBFCFAQS पर देख सकते हैं। बिहार के इस जिले की पुलिस मदद के लिए पहुंच रही सबसे पहले। बिहार पुलिस की डायल 112 की टीमें लगातार अपने रिस्पांस टाइम में सुधार लाने का काम कर रही है। बता दें कि हर माह डायल 112 की रैंकिंग जारी की जाती है। इसी कड़ी में बीते दिन जारी किए गए रैंकिंग के अनुसार दिसंबर माह के सबसे बेहतर रिस्पॉन्स टाइम में 7.57 मिनट के साथ पूर्णिया जिला अव्वल है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर 8.04 मिनट के साथ बेगूसराय, तीसरे स्थान पर 8.27 मिनट के साथ गया, चौथे स्थान पर 8.51 मिनट के साथ गोपालगंज और पांचवें स्थान पर 10.35 मिनट के साथ नवादा जिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज जिला के रिस्पॉन्स टाइम में पहले से सुधार हुआ है। अब गोपालगंज ने रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 8.51 मिनट कर लिया है। बता दें कि डायल 112 पुलिस टीम बेहतर कार्य कर रही है। रिस्पांस टाइम में प्रति माह सुधार देखने को मिल रहा है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू कर तोड़ा सचिन, युवराज और धोनी का रिकॉर्ड।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के पहले दिन बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी मैच में डेब्यू करते हुए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। बता दें किसी के साथ वैभव सूर्यवंशी के द्वारा सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 15 साल और 230 दिनों की उम्र में अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था, युवराज सिंह जिन्होंने 15 साल 57 दिनों में अपना डेब्यू किया था और महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार प्रथम श्रेणी का मैच खेला था को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बात करें अगर बीते दिन हुए इस मैच के बारे में तो बिहार के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और मुंबई की टीम पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट खोकर मात्र 235 रन बना पाई। बिहार की ओर से वीर प्रताप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, वहीं सकीबुल गनी और हिमांशु सिंह ने 2-2 तथा आशुतोष अमन ने 1 विकेट चटकाए। बैंक खाते से नहीं जुड़ा है आधार तो मनरेगा में काम का नहीं मिलेगा पैसा। बिहार मनरेगा आयुक्त संजय कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड धारकों को उनके काम का पैसा नहीं मिलेगा जब तक उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा। ऐसे में सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से जोड़ने का काम चल रहा है और यह काम 15 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मनरेगा आयुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में लगभग 84% जॉब कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। मालूम हो कि इस पहल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि लाभार्थियों को बार बार बैंक खाता बदलने से परेशानी न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में मनरेगा में 1,48,00,000 परिवारों के 1,82,00,000 कामगार निबंधित हैं। सीएम नीतीश ने की पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और साथ ही इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सरकार भवनों की छतों पर सोलर प्लेट जरूर लगवाएं। सभी पंचायत के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी तेजी के साथ पूरा करने का काम करें। उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवनों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि एक ही जगह पर उस पंचायत के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं इस दौरान पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि कुल 8,053 पंचायतों में से 1,447 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है, 789 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है और 2,000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। 2,165 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और बाकी बचे 1,652 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित करना बाकी है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे तिब्बती मंदिर के बारे में। तिब्बती मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित तिब्बती शास्त्रों और कई बौद्ध प्रतीकों से अलंकृत धार्मिक केंद्र है जो खुद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर के समीप इस मंदिर ने अपने कुछ विशेष कारणों से अपनी अलग छवि बनाई है। इसका निर्माण 1938 में बौद्ध मठ के रूप में हुआ था। यहाँ एक 10 मीटर ऊंचा धर्म इसका निर्माण 1938 में बौद्ध मठ के रूप में हुआ था। यहाँ एक 10 मीटर ऊंचा धर्म चक्र है जिसे सुनहरे और लाल रंग में रंगा गया है। यह लगभग 200 टन का धर्म चक्र है। लोगों की ऐसी आस्था है कि इस चक्र को बाएं से दाएं 3 बार घुमाने से उसके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तिब्बती मंदिर का माहौल काफी शांत है और यहाँ पर लोग साधना भी करते हैं। यह बौद्ध धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों में से एक है क्योंकि यहाँ मैत्रेयी बुद्ध की छवि है जिन्हें वहाँ के भिक्षु भगवान बुद्ध के भविष्य का अवतार बताते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कई भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहां भगवान बुद्ध के उपदेश के तीनों सूत पिटक विनय पिटक व अभिदम पिटक का संकलन है। इसके अलावा भारतीय विद्वानों द्वारा इन पर लिखी गई टीका भी यहां उपलब्ध है। आज मेडल जीतने वाले 81 खिलाड़ियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था जिनके द्वारा खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करने का काम किया जाएगा। इसी कड़ी में आज यानी कि 6 जनवरी को बिहार के ऐसे 81 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी। बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के हाथों इन सभी 81 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की
नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। मालूम हो कि राज्य सरकार के द्वारा इन सभी 81 खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत इनमें से कुछ खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों को विज्ञान प्रावधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिपिक पद के लिए, कुछ खिलाड़ियों को पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य उपभोक्ता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, भवन निर्माण विभाग के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जॉर्डन में फंसे बिहार के मजदूर वतन वापसी की लगा रहे गुहार। जॉर्डन में काम करने वाले 120 भारतीय मजदूर वहां फंस गए हैं, जिनमें बिहार के सीतामढ़ी के भी 5 मजदूर शामिल हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है और इन मजदूरों को इनका वेतन भी नहीं दिया गया है, और साथ ही राशि मांगने पर इन मजदूरों का वीजा और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। ऐसे में अब ये सभी मजदूर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन मजदूरों के परिजन काफी चिंतित है। बता दें कि जॉर्डन में फंसे मजदूरों का कहना है कि वे बहुत परेशान हैं और उन्हें खाना पीना भी दुभर हो गया है। इसके अलावा उन्हें दैनिक कार्यों के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा। बता दें कि 120 भारतीय मजदूरों के अलावा वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के भी मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं बिहार के जो 5 मजदूर वहां फंसे हैं उनमें सुप्पी प्रखंड के भवनगामा रामनगर निवासी मोहम्मद कुर्बान, राजेश कुमार, राजू कुमार, मोहम्मद जाकिर और भतनाहा प्रखंड के चौधरी टोला निवासी जुनैद बैठा शामिल हैं। राजनीति में प्रवेश करने पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी। पिछले कुछ दिनों से बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी के राजनीति में प्रवेश करने को लेकर कई चर्चाएं चल रही थी। इसी कड़ी में अब मनोज बाजपेयी ने इन चर्चाओं पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर न्यूज एरिना इंडिया के एक पोस्ट को रीट्वीट कर लिखा है कि अच्छा ये बताओ ये बात किसने बोला या कल रात सपना आया, बोलिए बोलिए। ऐसे में अब मनोज बाजपेयी के इस पोस्ट से साफ हो गया है कि वह राजनीति में कदम रखने की बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि वो पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोज बाजपेयी अपनी अगली सीरीज किलर सूप में नजर आने वाले हैं, जो कि 11 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। वहीं इसके अलावा मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन के बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन में भी दिखने वाले हैं। नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही बीपीएससी शिक्षक होने लगे सस्पेंड। बिहार में एक तरफ बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को नौकरी मिल रही, तो वहीं थोड़ी सी लापरवाही पर इन शिक्षकों के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई भी हो रही है। बता दें कि इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के सिरौली उच्च माध्यमिक विद्यालय के इतिहास विषय के जयमंगल सिंह और बोखड़ा अंचल के कुरहर माध्यमिक उच्च विद्यालय की अध्यापिका सुमन कुमारी को नोटिस जारी करते हुए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल जयमंगल सिंह के द्वारा बीपीएससी शिक्षक के रूप में अपना योगदान 17 नवम्बर को दिया गया था, जिसके बाद 26 दिसम्बर को SC ST थाना की पुलिस के द्वारा एक पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जयमंगल सिंह को निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सुमन कुमारी के द्वारा बीपीएससी शिक्षिका के रूप में 17 नवंबर को योगदान दिया गया था और फिर 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक अवकाश ली गई थी। इसको लेकर उन्होंने आवेदन दे दिया था पर बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृत कराए हुए। इस संबंध में विभाग के द्वारा सुमन कुमारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं दिए जाने पर अध्यापिका के इस आचरण को कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया और निलंबित कर दिया गया। नेशनल हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में बिहार के युवक ने जीता गोल्ड। बेंगलुरु में आयोजित नेशनल हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र से आने वाले अंकित यादव के द्वारा देश भर से आए 100 घुड़सवारों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए पूरे राज्य का नाम रोशन करने का काम किया गया है। बता दें कि अंकित यादव को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था, लेकिन गया तथा आसपास के जिलों में कोई प्रशिक्षण केंद्र न होने की वजह से उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए रांची जाना पड़ा, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। नेशनल टीम के लिए अंकित यादव का चयन 2023 में हुआ था, जिसके बाद उन्हें तैयारी के लिए 5 महीने का समय मिला, जिसमें उन्होंने तैयारी कर अपने नाम गोल्ड मेडल किया और पूरे राज्य का नाम रोशन किया। बिहार के मौसम में हो रहा बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी हरियाणा व इसके आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से बिहार में पटना सहित 14 शहरों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के कुछ जिलों में घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पटना सहित आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया हुआ है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 6 जनवरी को राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के एक या दो
स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि इन क्षेत्रों को लेकर आईएमडी बिहार के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा राज्य के शेष भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और इन क्षेत्रों को लेकर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि आईएमडी बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार ऐसी स्थिति राज्य में 7 जनवरी यानी कि कल तक बने रहने की संभावना जताई गई है। आपकी अदालत में बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी, बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता में से एक जो अपने अभिनय से किसी भी रोल में जान फूंक देते हैं। पंकज त्रिपाठी आज यानी कि शनिवार की रात 10 बजे इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का सामना करने के लिए लोकप्रिय शो आपकी अदालत के कटघरे में आने वाले हैं। मालूम हो कि कोरोना के कारण 2 साल तक आपकी अदालत के नए एपिसोड शूट नहीं हुए थे, जिस वजह से पुराने एपिसोड ही प्रसारित किए जा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से इस शो की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहले गेस्ट के तौर पर देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे थे। बता दें कि आपकी अदालत में अब तक करीब 200 जानी मानी हस्तियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। वहीं इसके 1100 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं। आरटीआई का जवाब नहीं देना बिहार के 10 वीडियो को पड़ा महंगा। बिहार सूचना आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों के 10 वीडियो पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के आदेश पर आयोग के द्वारा इन सभी 10 वीडियो को 24 जनवरी 2024 को राज्य सूचना आयोग के सामने सदैव उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है और साथ ही इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मालूम हो कि वीडियो के पर आरोप है कि इनके द्वारा शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ियों को दबाने का काम किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत 6 साल पहले ही शिक्षक नियोजन से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद इन पर लगे आरोप को सत्य पाते हुए पिछले दिनों राज्य सूचना आयुक्त का पद संभालने के बाद त्रिपुरारी शरण के द्वारा संज्ञान लिया गया है। अडानी मुद्दे पर आए सुप्रीम फैसले के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर बोले सुशील मोदी। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के द्वारा इंडिया गठबंधन पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिन विपक्षी दलों ने अडानी के विरुद्ध जेपीसी जांच की मांग करते हुए संसद का पूरा एक सत्र बर्बाद कर दिया था, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए। न्यायालय न केवल इस मामले में सेबी की जांच से संतुष्ट है, बल्कि न्यायपीठ ने एसआईटी या अन्य किसी एजेंसी से जांच की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 के संसदीय चुनाव से पहले जब राहुल गांधी के द्वारा 36 राफेल विमानों की खरीद में कथित अनियमितता का शोर मचाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तब भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चौकीदार चोर है जैसे बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू का खुला ऐलान। जेडीयू की ओर से लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। दरअसल मंत्री संजय झा के द्वारा बीते दिन मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत सिर्फ राजद से होगी। कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों को अगर सीट शेयरिंग पर बात करनी है तो वे राजद से बात करें, जब उनकी बातचीत फाइनल हो जाएगी तो हमारी बातचीत राजद से होगी। फिलहाल जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद है, इससे कम सीटों पर लड़ने की बात कहां उठती है। जब राजद से बात होगी तो सीट को लेकर जेडीयू की दावेदारी की चर्चा होगी, फिलहाल बात नहीं हुई है। ऐसे में अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जेडीयू की दावेदारी 16 सीटों से ज्यादा के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार देरी हो रही है। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में सभी 243 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ऐसे में अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रशांत किशोर के द्वारा जल्द ही अपनी जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल में गठित किया जा सकता है। मालूम हो कि प्रशांत किशोर अभी पूरे बिहार में जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। इस यात्रा के तहत प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। टी20 विश्व कप में 20 टीमें लेंगी हिस्सा, जाने किस ग्रुप में भारत।
इस साल 4 जून से 30 जून तक T20 विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर खेला जाने वाला है, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। बता दें कि बीते दिन ICC के द्वारा इन 20 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक ग्रुप में 5-5 टीमें शामिल है। वहीं ग्रुप में से ग्रुप ए में जिस 5 टीम को रखा गया है उसमें भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और USA है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, युगांडा और PNG है। वहीं ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका और नेपाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 52 ग्रुप स्टेज मैच मिलाकर टूर्नामेंट में 27 दिन के अंदर कुल 55 मैच खेले जाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मदर टेरेसा भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए 1929 में कोलकाता आई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन का 1947 में स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1983 में पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को 1989 में फांसी दी गई। नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों का परिचालन 2010 में आरंभ हुआ। 1910 में भारतीय कर्नाटक संगीतकार GN बाला सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। 1932 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर का जन्म हुआ। 1959 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का जन्म हुआ। 1966 में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान का जन्म हुआ। 1996 में फिल्म निर्देशक अभिनेता किशन श्रीकांत का जन्म हुआ। 1949 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के सूबेदार बाना सिंह का जन्म हुआ। 1918 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास का जन्म हुआ। 1928 में भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का जन्म हुआ। 1940 में प्रसिद्ध लेखक नरेंद्र कोहली का जन्म हुआ। 1965 में राजनीतिज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज का 1847 में निधन हुआ। भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता जयदेव का 1987 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का 2008 में निधन हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का 2017 में निधन हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री GM शाह का 2009 में निधन हुआ। भारत में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी संदेश जो प्रतिरूपण कर रहा है कि द ऑफिसियल SBI दावा कर रहा है कि यदि प्राप्तकर्ता का पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो उसका SBL योनो AC ब्लॉक कर दिया जाएगा। PIB ने ट्वीट में आगे लिखा है कि कभी भी अपनी बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए पूछे जाने वाले ईमेल SMS का जवाब न दे। ऐसे संदेशों की तुरंत रिपोर्ट करे PHISHING@SBI.co.in पर। फेसबुक में आया नया लिंक हिस्ट्री फीचर। मेटा अपने फेसबुक यूजर्स के अनुभव को दिन प्रतिदिन बेहतर करने के लिए नए फीचर्स को पेश करता रहता है। इसी कड़ी में अब फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए एक और नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम लिंक हिस्ट्री है। इस फीचर को खास तौर पर मोबाइल ऐप के लिए लाया गया है। मेटा ने फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए अपने इस फीचर को एंड्रॉइड और iOS दोनों मोबाइल ऐप के लिए पेश किया है। यह फीचर उन वेबसाइट पर नजर रखेगा जिन्हें आपने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए पिछले 30 दिनों में देखा होगा। फेसबुक सपोर्ट पेज के अनुसार एंड्रॉइड और iOS मोबाइल ऐप के लिए इस नए फीचर को ग्लोबली पेश किया गया है और इसे रोल आउट करना भी शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। फेसबुक के इस नए फीचर को अगर आप इनेबल करेंगे तो उसके बाद आपसे अपने फेसबुक अकाउंट पर जिस भी वेबसाइट को खोलेंगे, सर्च करेंगे या देखेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री फेसबुक में सेव हो जाएगी। फेसबुक का यह नया लिंक हिस्ट्री फीचर पिछले 30 दिनों में देखी गई सभी वेबसाइट के लिस्ट को सेव करके रखेगा। शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद। बीते दिन यानी कि शुक्रवार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन BSE सेंसेक्स 72,000 के आंकड़े के ऊपर 178 अंकों के उछाल के साथ 72,026 अंकों पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का निफ्टी 52 अंकों के उछाल के साथ 21,170 अंकों पर बंद हुआ। ऐसे में बता दें कि बीते दिन जो शेयर तेजी के साथ बंद हुए उनमें लर्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक के शेयर शामिल रहे। वहीं जो शेयर गिरावट के साथ बंद हुए उनमें नेस्ले इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स और JSW स्टील के शेयर शामिल है। मालूम हो कि बीते दिन BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 99,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है,
हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला सवाल, हाल ही में कहां में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का 98वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कोणार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 30 मार्च 1938, ऑप्शन बी 30 मार्च 1939, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1938, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 जनवरी 1938। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद इरफान, राजकिशोर महतो, उमेश सिसदेव, प्रिया, रवि कुमार राज, रामनवी मांझी, राजीव कुमार, शोवानंद ठाकुर, विवेक मिश्रा, सदुल्लाह पलवी, मंटू कुमार, नैन प्रकाश यादव, अनवर करीम खान, रजनीश कुमार, प्रहलाद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, फिल्मी कलाकारों का राजनीति में आना आपके अनुसार सही है या गलत? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।